हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, हर समय के भांति इस समय भी है जो दोस्तों है, जो 50 क्वेश्चंस का सेट है जो आपके लिए है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो 67 बीपीएससी या बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप डिस्कशन से आपको है जो ज़्यादा फायदा होता है, आप जब सुनेंगे तो आपके दिमाग में इमेज बनेगा, 1/10 सेकेंड का इमेज बनता है, जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर है जो सब्सक्राइब जरूर करें, उसका बटन है जो ज़रूर दबा दें और लोगों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। जो चीनी यात्री है जो दोस्तों इत्सिंग जो आया था, जो बिहार आया था, वो भ्रमण है जो कब किया था, उसके काल के बारे में बताना है। तो दोस्तों, इत्सिंग के बारे में बता देते हैं कि जो चीनी यात्री था, ये सुमात्रा होते हुए जो दोस्तों है जो भारत पहुँचा था। कहाँ? सुमात्रा होते हुए भारत पहुंचा था। सुमात्रा, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, पूछ देता है। तो सुमात्रा होते हुए ये है जो भारत पहुंचा, और है जो दोस्तों ये 673 ईस्वी में है जो दोस्तों ये जो भारत पहुंचता है। और इससे जो रिलेटेड है दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीनी यात्री जो इत्सिंग था, ये सबसे लास्ट में आया था। सबसे पहले आप जानते हैं कि फाइयान था, फाइयान के बाद संयुगन आया, फिर हेनसांग आया और फिर इत्सिंग आया। तो दोस्तों, ये चारों का क्रम है जो कभी कभी पूछ देता है, तो भी है जो आप ध्यान में जरूर रखिएगा। इत्सिंग की जो बिहार का भ्रमण है दोस्तों, कितने वर्षों तक रहता है? 10 वर्षों तक रहता है। और इन्होंने है जो बौद्ध भिक्षुओं की जो आत्मकथाएं लिखी हैं, उस आत्मकथाएं में दोस्तों है जो पूरे बिहार के जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो अध्ययन किया और यहाँ के सामाजिक स्थिति के बारे में है जो दोस्तों है जो उन्होंने है जो लिखने का है जो प्रयास किया। दूसरा चीज़ कि इनकी कुछ बुकें जो बुक है दोस्तों, जो इसके अलावा जो लिखा है, भारत तथा मलय पुंज है दोस्तों है जो इत्सिंग के द्वारा है जो लिखा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, 673, कहीं कहीं बुक में 671 भी देता है दोस्तों, तो आपको उसी के क्रम में है जो मारना है। थोड़ा सा बीपीएससी में कन्फ्यूजन हो जाती है कि ई ऑप्शन है, तो थोड़ा सा डर बना हुआ है, लेकिन आप 673 671 भी रहे तो दोस्तों है जो आप है जो उसको मारिएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हमने चारों चीनी यात्री के बारे में बताया। फाइयान 399 के आसपास है जो दोस्तों आया था, फिर हेनसांग, फाइयान के बाद जो संयुगन आया 515 से 520 के बीच में, फिर हेनसांग आया 629 ईस्वी में, फिर है दोस्तों इत्सिंग आया। तो आपका ये दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया। यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था, जो बौद्ध विहार जो था दोस्तों, वो है जो उसका प्राचीनतम केंद्र कौन था? आप जानते हैं, नालंदा कुमार गुप्त ने 427 ईसा पूर्व में है जो बनाया था। कब बनाया था? 427 में। कभी कभी डेट पूछ देता है तो ध्यान रखिएगा। तो ये नालंदा के बारे में है दोस्तों। नालंदा के अभी वर्तमान में जो चांसलर हैं, ऐसे वाइस चांसलर, चांसलर तो राज्यपाल होते हैं, वाइस चांसलर जो हैं सुनैना देवी हैं, वो है जो अभी वाइस चांसलर हैं। और नालंदा में ही दोस्तों है जो ये 2008 में है जो दोस्तों है जो नालंदा विश्वविद्यालय की है जो वर्तमान स्वरूप की है जो स्थापना है जो की गई थी। और नालंदा जो दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर करंट के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो नालंदा में आपका जो पूरा एरिया है दोस्तों, वहाँ पर गंगा उद्धव योजना है, जी भी वहाँ से क्रॉस किया है अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे। फिर है दोस्तों कि नालंदा जो महाविहार है उसकी है जो यूनेस्को की जो सूची में है, जो 2016 में है जो उसको डाला गया था। तो ये सब चीज़ है जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नालंदा से रिलेटेड हैं। करंट की बातें तो दोस्तों और हैं इसमें, लेकिन है जो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है कि जो यहाँ है उसी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। विक्रमशिला दोस्तों ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था 8वीं शताब्दी में है जो दोस्तों, जब पाल वंश आया तो विक्रमशिला है। ये अंग प्रदेश का पूरा इलाका है दोस्तों विक्रमशिला का। उदंतपुरी का दोस्तों है जो पाल वंश के समय में हुआ, गोपाल के द्वारा किया गया था दोस्तों। और वैशाली जो है वहाँ एक वैशाली में जो 24वें राजा थे उनका नाम विशाल था, उनके नाम पर है जो दोस्तों वैशाली रखा गया है नाम। और वैशाली का जो अंतिम राजा था दोस्तों, वो है जो सुमति और प्रमति था। वैशाली भी बहुत बड़ा दोस्तों है जो एक ऐतिहासिक केंद्र रहा है, महावीर बुद्ध सबका है जो दोस्तों है जो यहाँ पर है जो बहुत बड़ा केंद्र रहा है। तो इसमें जो चारों ऑप्शंस थे दोस्तों, उसको चारों ऑप्शंस को मैंने है जो आपको क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त करने वाली भारत की पहली जनजाति भाषा कौन सी है?
विकिपीडिया आप लोग हमेशा खोलते हैं दोस्तों, आप है जो ज़रूर है जो विकिपीडिया पर जाते हैं तो पूरा इन्फॉर्मेशन है जो वहाँ से गैदर करते हैं। तो जो ये पहली जनजातीय भाषा है जो दोस्तों ये है जो संथाली है, आप जानते हैं संथाली है जो सबसे पहले विकिपीडिया पर आई थी, और विकिपीडिया पर आने के बाद है दोस्तों है जो ये है जो भारत के जो 22 भाषाओं में है जो दोस्तों उसको भी ये शामिल किया गया है 91 संविधान संशोधन में है जो संथाली को है जो ऐड किया गया है दोस्तों। तो ये भी है जो बहुत इम्पोर्टेंट्स है। दूसरा है कि डोगरी, ये भी है जो दोस्तों भारतीय भाषा में है जो किया गया है। और निकोबारी और साबरी ये है जो दो अलग भाषाएं हैं दोस्तों, ये है जो इसकी है जो कोई है जो अभी भारतीय भाषाओं में है जो इसको है जो जगह है जो नहीं दी गई है। तो संथाली और डोगरी दो हैं। दूसरा चीज़ है कि ये जो है दोस्तों जो संथाली जो भाषा है ये है जो दोस्तों आप जानते हैं संथाल परगना जो बिहार से, अब बिहार में नहीं अब झारखंड में है, तो संथाल परगना भी है जो दोस्तों है जो पूरा जनजातीय केंद्र रहा है, अब है जो वहाँ से पूरे जनजाति प्रणाली और वहाँ की विशेषताओं के बारे में है जो आप जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है दोस्तों है जो भील जनजाति हो गई है। अब कौन सी जनजाति हो गई है? भील जनजाति हो गई है। दूसरा है जो दोस्तों गौंड जनजाति है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंस हो गया आपके लिए। और संथाली को जब कंप्यूटर भाषा के यूनिकोड में जब लिखा गया तो 2008 से जो दोस्तों है जो इसको यूनिकोड है जो प्रदान किया गया। यूनिकोड का मतलब होता है दोस्तों ट्रांसलेट करते हैं, जैसे आप इंग्लिश को हिंदी में लिखते हैं तो यूनिकोड का प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह संथाली में लिखने के लिए भी यूनिकोड का प्रयोग किया जाता है। आगे है दोस्तों कि निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है जो वायुमंडल में? तो वायुमंडल में जो दोस्तों जो गैसों की सर्वाधिक मात्रा है वो नाइट्रोजन है, आप जानते हैं 78% है जो नाइट्रोजन है। अगर ब्रह्मांड कह दे दोस्तों तो वहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन आंसर। तो दो चीज़ है, वायुमंडल कह दे तो नाइट्रोजन और ब्रह्मांड कह दे तो हाइड्रोजन हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि नाइट्रोजन एक गैस है दोस्तों जो आप श्वास लेते हैं तो उसमें जितना नाइट्रोजन जाता है उतना ही है जो वापस बाहर आता है, कोई कमी नहीं होती है उसमें, जितना आप लेते हैं उतना ही रहता है, उसमें कोई कमी है जो नहीं होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। CO2 है जो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऑक्सीजन के बारे में तो आप जानते ही हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, 312 में किया गया है अखिल भारतीय सेवाओं का। और इससे रिलेटेड अगर बात करें 311 में है जो दोस्तों है जो जो अखिल भारतीय सेवा है उसका संवैधानिक संरक्षण प्राप्त किया गया है, और 310 में है जो नियम की है जो चर्चा है जो की गई है। तो अखिल भारतीय सेवा इसीलिए राज्यसभा दोस्तों है जो यहाँ पर है जो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि किसी भी सेवाओं को है जो स्टार्ट करने और बंद करने का अधिकार है जो दोस्तों है जो राज्यसभा के पास ही है, दूसरे के पास नहीं है। आप IFS सबसे बात करेंगे तो दोस्तों है जो 1961 में है जो दोस्तों IFS की है जो स्थापना है जो की गई थी। अखिल भारतीय सेवा की अगर और बात करें तो ली कमीशन को आप जान सकते हैं दोस्तों, ली कमीशन है जो इम्पोर्टेंट है, आप है जो ज़रूर है जो ली कमीशन के बारे में जानने का प्रयास कीजिएगा। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है दोस्तों? कभी भंग ही नहीं होती है राज्यसभा, कभी भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है? तो आप जानते हैं कि है जो 80 में है, किस में है? 80 में, 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा, और 81 में है जो लोकसभा है। राष्ट्रपति 52 से है जो दोस्तों, बहुत है सब चीज़ राष्ट्रपति के बारे में आपको बहुत जानना है। राष्ट्रपति से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो बीबी गिरी थे। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने पर हैं, कौन कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक रहे, तो BD जती रहे हैं, हिदायतुल्ला रहे हैं, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति का स्थिति क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया उसकी कैसी है, शपथ लिया जाता है तो शपथ किस प्रकार के लिया जाता है। तो आपको 52 से लेके है जो दोस्तों है जो जितने भी आर्टिकल हैं 52-54 में है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात की गई है, 55 में निर्वाचक मंडल की बात की गई है, 57 में पुनः निर्वाचन की बात की गई है, 60 में शपथ की बात की गई, 61 में महाभियोग की बात की गई है। तो ये सब चीज़ें जो आपको रखना है। और प्रधानमंत्री के बारे में दोस्तों आप जानते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका जो होता है प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति हो जाए तो है होता है जो संवैधानिक प्रमुखता है जो राष्ट्रपति के पास होता है। निर्वाचन आयोग जानते हैं दोस्तों विभाग 15 में 324 से 329 के बीच में है, अभी राजीव कुमार है जो चीफ है जो इलेक्शन कमीशन है।
तो ये सब चीज़ है जो आपको जरूर है जो जानने की प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाएं इजराइल से मिलती है। अगर इजराइल की अगर बात करें दोस्तों, तो इजराइल जो है ये पूरा ऐसे है दोस्तों, इजराइल है, यहाँ पर जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, नीचे मिस्र है। तो दोस्तों इस चारों देश से है दोस्तों है जो यहाँ पर है जो पूरा मिलती है, जो हमने पूरा है जो आपको बता दिया। अब इसके बारे में विस्तृत चर्चा के लिए दोस्तों है जो वीडियो आप जाकर देखिए तो हम बता देंगे सब। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों। आगे है कि सबसे पुरानी चालू पुरस्कृत साला रिफाइनरी। दोस्तों वर्तमान में जो सबसे पुरानी चालू पुरस्कृत साला रिफाइनरी है दोस्तों जो डिगबोई है, जो असम में पड़ती है। बसरा जो है दोस्तों ये है जो इराक का एरिया है, बसरा टेक्सास जो आप जानते हैं अमेरिका में है, और बहामास जो है ईरान में है दोस्तों। तो सबसे पुरानी जो है दोस्तों है जो डिगबोई है। सबसे पहले तेल का अगर कुआं के बारे में बात करें दोस्तों, तो वो है जो अमेरिका में है, जो सबसे पहले जो खोजा गया था। और जानते हैं तेल के मामले में दोस्तों भारत अभी है जो यूएई को पछाड़कर है, जो सऊदी अरब को पछाड़कर है, जो दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। आगे है पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे। तो पटना कलम के जो महत्वपूर्ण चित्रकार थे दोस्तों सेवक राम थे, और सबसे अंतिम जो कौन थे उस ईश्वरी प्रसाद थे। कौन थे? ईश्वरी प्रसाद। यह है जो दोस्तों है जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। यह है जो ब्रिटिश मुगल की संगम का है जो कला के रूप में है दोस्तों, इसको जाना जाता है पटना कलम के बारे में। पटना कलम का सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार थे सेवक राम। ये जीवन के जो आम जन जीवन के है जो बारे में है जो दोस्तों है जो इसमें बताया गया है पटना कलम के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप जब मेंस लिखिएगा तो इसके बारे में आप ज़रूर है जो जानिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत बड़ी प्रोजेक्ट था, 5486 किलोमीटर का जो दोस्तों है जो टोटल ये प्रोजेक्ट था। और है जो दोस्तों ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में दोस्तों 2002 में है जो इसको किया गया था, और 2012 में जो दोस्तों इसको पूर्ण काम किया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज का तो राजमार्ग से रिलेटेड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पूर्ण भरण योग भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? जो पूर्ण चक्रण जो भौम जल में अगर सबसे अच्छी अगर बात करें दोस्तों किसके पास है, तो उत्तर प्रदेश के पास है जो सबसे ज़्यादा है जो भौम जल संसाधन संपन्न राज्य है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों हमेशा है जो जानते हैं कि वाटर लेवल का ग्राउंड है जो बहुत नीचे चला गया, मध्य प्रदेश की वही स्थिति है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों है जो भौम जल संसाधन है उसके पास पानी है, लेकिन वो है जो चक्रण पूरा चक्रण वाला पानी है उनके पास नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के पास है जो दोस्तों है जो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो है जो बहुत अच्छा है उत्तर प्रदेश के पास है दोस्तों। चलिए और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा अगर अबरक की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अबरक, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो चावल, यह चावल नहीं आपकी गेहूं, अगर प्रति क्षेत्र की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में है जो ज़्यादा आलू भी है दोस्तों उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है, आम भी है जो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है, पश्चिम बंगाल में चावल ज़्यादा होता है दोस्तों, और मीठे पानी की जो मछली है जो वहाँ पर ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश सोया प्रदेश है दोस्तों आप जानते हैं। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका विनियमन पर्यवेक्षक कौन करता है? तो सेबी करता है दोस्तों। कौन करता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी है दोस्तों है जो बूच बनी है। क्या नाम है उनका? बूच नाम है, जो दसवें हैं सेबी के जो प्रथम महिला हैं दोस्तों। आरबीआई के आप जानते हैं शक्तिकांत दास हैं दोस्तों। आईसीआईसी की स्थापना 1955 में, यूटीआई है जो 1964 में हुई थी। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय है जो कौन लेता है? तो दोस्तों जो सांसद होते हैं उसके अयोग्यता संबंधी विवाद पर जो निर्णय होता है दोस्तों वो है जो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेते हैं। क्या कि राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, निर्वाचन आयोग सिफारिश करेगा तब है जो दोस्तों है जो राष्ट्रपति है जो उस पर है जो एक्शन लेता, उनको है जो अयोग्यता के विवाद पर निर्णय करता है। राष्ट्रपति की चर्चा कर दी है दोस्तों, निर्वाचन की चर्चा कर दी है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधारा धीर है जो है जो खून को है जो पीता है? तो आप जानते हैं दोस्तों कि मच्छर ही सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मच्छर हो जाएगा आपका।
यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो दोस्तों है जो 82 के बाद जो भी हो जाता है वो है जो लेड में परिवर्तित हो जाता है यूरेनियम। रेडियम की खोज दोस्तों है जो जानते हैं आप है जो मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। पोलोनियम में सबसे ज़्यादा है जो समस्थानिक होता है दोस्तों। और थोरियम है जो वो है जो आपके भारत के केरला में पाया जाता है। और इसके कुछ अयस्क हैं दोस्तों जो है जो मोनाजाइट हैं, फिर मोनाजाइट के बाद एक दो हैं जो दोस्तों और हैं जो थोरियम के हैं। तो उसका जो याद जरूर कीजिएगा कभी कभी है जो थोरियम के बारे में जो पूछ देता है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन है दोस्तों। इस सब के बारे में जानते हैं, विशेष चर्चा नहीं करना है। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो दोस्तों जो रेलवे का जो विकास था दोस्तों वो है जो ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए है जो दोस्तों है जो भारत में रेलवे का विकास किया गया था। कब किया गया था? 1853 में किया गया था, 16 अप्रैल को किया गया था दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी था उस समय और रेलवे का विकास हुआ। रेलवे के विकास में बहुत क्रम है दोस्तों। आज रेलवे की ऊंचाइयों है जो बहुत है, कृषि उड़ान, कृषि रेल, कृषि टेक्सटाइल ट्रेन, फिर भारत गौरव ट्रेन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं रेलवे के बारे में। अगर जानना चाहते हैं तो इस पर बहुत सारी चीज़ें जो बता सकते हैं। अभी है जो दोस्तों वीके चौधरी हैं जो इसके जो सीईओ हैं। कौन है? वीके चौधरी है जो सीईओ हैं इसके। बिहार में पटना के बीटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किया था दोस्तों? तो 4 मार्च 1928 को किया था। और जब है जो औपचारिक जब कर दे तो दोस्तों है जो 1929 में है जो किया था। ये जो ध्यान रखिएगा जो सहजानंद सरस्वती की स्थापना जो है ये बीटा में आपके जो भूमिहार ब्राह्मण है जो एक संगठन बनाए थे, उसके बाद है दोस्तों है जो हाजीपुर में जो हाजीपुर का इलाका है वहाँ पर है जो दोस्तों है जो भाई जो सोनपुर वही हाजीपुर का इलाका है वहीं पर है 4 मार्च 1928 को किए थे। और है जो प्रांतीय किसान की अगर हम बात करें दोस्तों तो वह है जो 17 नवंबर 1929 को है जो दोस्तों है जो उनके स्थापना किए थे। स्वामी सहजानंद की कुछ बुकें हैं दोस्तों, कर्मकलाप 1936 में है दोस्तों, अखिल भारतीय किसान आंदोलन का है जो ये है जो पूरा प्रवर्तक रहे, बहुत सारी इनकी है जो कहानियां हैं दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती की, किसान कैसे लड़े, बहुत सारी बुक है जो इन्होंने लिखा है। और है जो उत्तर प्रदेश से चलकर है जो दोस्तों है जो बिहार में है जो अपना कर्मभूमि बनाया स्वामी सहजानंद सरस्वती, किसान पुत्र के नाम से भी है जो दोस्तों है जो जाना जाता है। 1950 में जो दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी, 1889 में जन्म और 1950 में इनकी मृत्यु हो गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती की। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? देश का प्रकाशन है जो राजेंद्र प्रसाद किया था दोस्तों। और पटना वीकली है, पटना लॉ वीकली का भी है जो संस्थापक है दोस्तों जो राजेंद्र प्रसाद ने किया। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में अगर बताएं दोस्तों तो बिहार पृथक में है जो दोस्तों है जो बिहार टाइम्स के साथ है जो जुड़े थे। मजरूल हक जो आप जानते हैं, इनका जन्म जो है दोस्तों है जो मनेर में हुआ था। और इन्होंने दोस्तों है जो बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी 1921 के आसपास में दोस्तों है जो मजरूल हक का है जो बहुत बड़ी भूमिका है जो रहती है। हसन इमाम कांग्रेस के जो प्रांतीय जो अध्यक्ष थे 1908 में जो दोस्तों हसन इमाम बने थे। और कांग्रेस के भी अध्यक्ष है जो दोस्तों 1918 में है जो हसन इमाम विशेष अधिवेशन में जो बने थे बॉम्बे में दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में फूल नहीं होता है? तो दोस्तों फर्न में है जो फूल नहीं होता है, फर्न है जो दोस्तों इस प्रकार का ऐसे रहता है फर्न, इसमें जो फूल नहीं होता है। गुल्लर में फूल होता है ये पता नहीं चलता है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर है जो दोस्तों है जो फर्न हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों कोयम्बटूर को कहा जाता है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप है जो जरूर है जिसको पढ़िए। आगे है कि अतिवादी एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो एनी बेसेंट और बीजी तिलक है जो दोस्तों है जो 1916 में दोनों है जो दोस्तों जो दोनों अलग अलग 1907 के सूरत अधिवेशन में बट गए थे, तो उसके बाद दोनों को मिलाने में दोस्तों एनी बेसेंट और बीजी तिलक का बहुत बड़ा हाथ है। एनी बेसेंट जो दोस्तों है जो आयरिश थी जो 1893 में है जो भारत आई,
और उसके बाद ये दोस्तों जो भारत के आंदोलन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। 1917 में दोस्तों है जो भारत की प्रथम कांग्रेस अध्यक्षा रही जो है दोस्तों कलकत्ता में थी। एनी बेसिन आप जानते हैं कि बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। पटना में भी 18 अप्रैल और 25 जुलाई को है जो पटना में भी आई थी। और होमरूल जो था होमरूल में इनका बहुत बड़ा हाथ था। होमरूल एनी बेसेंट और बी जी तिलक दोनों है जो जुड़े हुए हैं। आगे है दोस्तों कि सुमेलित करना है तो कुंभा का काबुल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परोसनी रावी हो जाएगा, सदानीरा गंडक हो जाएगा, सतुती सतलज हो जाएगा, मिला लीजिए इससे। किस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है? तो जो जलप्रपात शिव समुद्रम कावेरी पे है, होंगो कोलकावारी पर है, और सिमसा है जो सिमसा नदी पर ही है दोस्तों, है जो कर्नाटक में पड़ता है। वस्तुओं के निम्न युगों में से कौन सा युग संयुक्त मांग को प्रदर्शित करता है? कॉफ़ी चाय घी तेल कोको कोला पेप्सी। कंप्यूटर प्रिंटर हो जाएगा। ये तीनों है जो दोस्तों प्रतिस्थापन है। कॉफ़ी नहीं है तो चाय पी लेंगे, घी नहीं है तेल खा लेंगे, कोको कोला नहीं है पेप्सी पी लेंगे, लेकिन कंप्यूटर और प्रिंटर का बीच है जो संयुक्त युग में है जो प्रदर्शित करता है दोस्तों। सारे जहाँ से अच्छा राष्ट्रभक्त गीत किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखा था सारे जहाँ से अच्छा। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो मधुसूदन दत्त ने 1859-60 में जो दोस्तों है जो नील आंदोलन पर है जो उन्होंने लिखा था, और इंग्लिश अनुवाद है दोस्तों मधुसूदन दत्त ने किया था। ये है जो नील दर्पण जो है दोस्तों उस समय की बहुत चर्चित बुक थी अंग्रेजी, बाद में इसे बंगला में है जो तब्दील कर दिया गया दोस्तों। नील दर्पण मधुसूदन दत्त, कौन है? मधुसूदन दत्त। तीन बंधु मित्रा के द्वारा है जो नील दर्पण लिखा गया था, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त के द्वारा है जो किया गया। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तक किसने किया है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि बलबन ने किया है, लेकिन नवरोज को ख़त्म कौन किया था? तो औरंगजेब ने है जो ख़त्म किया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कभी कभी एक इल्तुतमिश ने एकता पर था, फिरोज शाह तुगलक ने, तो दोस्तों यह है जो सल्तनत काल का अकबर ही कहा जाता है, और अलाउद्दीन का भी है जो दोस्तों अपना है एक अलग पहचान है दोस्तों। भारत के कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए थे, तो कौन कौन थे? तो उसमें मजरूल हक और सचिदानंद सिन्हा थे। अभी हमने है जो सब पे चर्चा किया, अली इमाम हसन इमाम ये सब है जो इस पे है जो चर्चा किए हैं दोस्तों। अभी महेश नारायण फखरुद्दीन ये सब बिहार से रिलेटेड है दोस्तों। स्टार फिश के परिसरण तंत्र को क्या कहा जाता है? ये वास्तविक मछली नहीं है दोस्तों, कैसी रेस है क्या, एक ट्रिक है जिसमें जो मछली जो नहीं पाया जाता है वही इसका हिमल तंत्र कहते हैं, उसके परिसरण तंत्र को हिमल तंत्र कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किसे कहते हैं? तो ये कहीं कहीं है जो आपको कंफ्यूजन होता है, तो सकला याद रखिएगा दोस्तों, सवाना कंबोज और लानोज ये है जो दोस्तों है जो उष्णकटिबंधीय है। और तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा जो उष्णकटिबंधीय है? तो लानोज हो जाएगा और सवाना हो जाएगा, दोनों उष्णकटिबंधीय हैं, तो आंसर हो जाएगा ई। पंपास अर्जेंटीना में, लानोज वेनेजुएला में, सवाना और दक्षिण अफ्रीका में है जो दोस्तों बेल्ट। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध दोस्तों हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति और वर्ण क्रांति सभी से है दोस्तों। और इंद्रधनुष योजना की अगर बात करें दोस्तों तो टीकाकरण से है, और बीमा क्षेत्र से भी है, बीमा क्षेत्र नहीं मैंने बैंकिंग के क्षेत्र से है, टीकाकरण का तो है ही बैंकिंग के क्षेत्र से भी है। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी है? तो सोमदेव ने लिखा है दोस्तों, ये तो जानते ही हैं आप। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय हुआ? तो दोस्तों है जो लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षण भी, अगर दोस्तों है जो इसके लिए एक लॉर्ड कर्जन के समय दोस्तों इसके लिए भी एक है जो विभाग है जो बनाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स आप जानते हैं दोस्तों, द्वैत शासन को ख़त्म किया, निजी व्यापार पर रोक लगाया, लॉर्ड बिलेजली प्रेस पे है जो लॉर्ड बिलेजली सहायक संधि के लिए भी जाना जाता है, विलियम बैटिक समाज सुधारक लिए जाता है, कैनिंग जो दोस्तों है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैनिंग, जिसके समय ये विधवा विवाह पूर्ण विवाह है जो इसमें इसके समय लागू किया गया। फिर है दोस्तों है जो स्थानांतरण किया गया पूरा है जो क्राउन के पास है जो क्वार्टजाइट कार्यांतरित होता है बलुआ पत्थर में दोस्तों,
बाजार बागवानी किस श्रेणी में आता है? तो उद्यान कृषि में आता है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो प्रतिक्रिया होती है दोस्तों, एक्शन रिएक्शन होता है वहाँ पर। मोनोन्यूक्लियोसिस किस प्रकार में फैलता है दोस्तों? ये है जो दोस्तों है जो किसिंग डिजीज है, चुंबन डिजीज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किसिंग डिजीज जिसको बोलते हैं, मोनोन्यूक्लियोसिस। तो ये है जो संतुलित लार से है जो दोस्तों है जो ये फैलता है, ध्यान रखिएगा, किसिंग डिजीज। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? तो एक बार ही किया गया दोस्तों, 1976 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी, प्रतिष्ठान था दोस्तों? ये है जो कौन सा सिक्का सीमू का स्थापना किया था, और है जो कौन सा सिक्का चलाया था, ये क्या नाम था उसका, सीसा का सिक्का है जो दोस्तों है जो उन्होंने चलाया था। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों ने औरंगजेब ने ढक्कन में जीता था? तो दोस्तों कौन जीता था? तो बीजापुर और गोलकुंडा को जीता था दोस्तों, आप जानते हैं वो बीजापुर और गोलकुंडा के, यहाँ अहमद हसन थे, और यहाँ पर है जो जीता था कुतुब शाही थे दोस्तों गोलकुंडा में, और बीजापुर में आदिल शाह थे। तो दोस्तों है जो इसको है जो दोनों को है जो जीत लिया था, और अहमदनगर को दोस्तों शाहजहाँ ने जीता था, उसके समय मिला लिया गया था। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर था दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 को। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो ऋग्वेद के 3rd मंडल से लिया गया है। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश में सरकारी स्वशासन समाप्त हो चुका है? तो जगदीशपुर, हमने 1857 को विस्तृत पढ़ाया दोस्तों, आप जाकर देखिए। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो मीर जाफर ने जो प्रदान किया था दोस्तों। तो आज को वीडियो यहीं रखते हैं दोस्तों, कुछ तबीयत भी डाउन है, तो कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और चैनल को है जो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यही मेरा मानक होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।